तो दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ इस टाइप का सैड लुक फोटो एडिटिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बस कुछ नहीं करना है, बस इस ये छोटा सा वीडियो है, इसको आपको फुल वॉच कर लेना है और आप भी ऐसा फ़ोटो बना पाएंगे, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आप लोगों को एडिटिंग में मैं सबसे ज़्यादा, जितना भी मेरे से हो सकता है उतना ज़्यादा मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ। तो उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल फोटो कुछ इस टाइप का है। तो इसी फोटो को हम आज एडिट करके दिखाएंगे, ठीक है, जिसको हम सैड फोटो बनाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा फोटो एडिट करना चाहते हैं अपना, तो ऐसे 5 या 10 रुपये का ये मिलेगा, ये बैंडेज मिलेगा, लेके आप लोग भी ऐसे बांध के और फोटो क्लिक करवा लीजिए और आप भी इजीली एडिट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सैड फोटो, और सैड फोटो मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सैड फोटो ज़्यादा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी सैड फोटो बनाना चाहते हैं उस टाइप का, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें इस फोटो में क्या करना है, तो हम डायरेक्टली इस फोटो को लेके चलेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड को अभी आपको ऑरेंज करना बताऊँगा एकदम ईजी स्टेप में, कि ऑरेंज कैसे करते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करते हैं, वो भी लाइटरूम से। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं। तो इसमें आने के बाद हम अभी क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटो हमारा ऐड हो चुका है, तो इस फोटो को हम ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। और इसमें आने के बाद फाइनली हम चलेंगे लाइट वाले ऑप्शन पर। देख सकते हैं ये लाइट वाला ऑप्शन है, इस पर जाके लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और हाईलाइट को ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। हाईलाइट माइनस करने से ये होता है, अगर फेस पे या बैकग्राउंड में कहीं भी अगर ज़्यादा ओवर लाइट आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, वाइट एंड ब्लैक दोनों को कम रखेंगे, जिससे कि हमारा फोटो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और शैडो को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे बस। इसके बगल में एक कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि एक ही स्टेप हर वीडियो में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही स्टेप है लेकिन फ़ोटो तो अलग है ना। तो फोटो बनाना सीखिए, ठीक है, उसको समझिए पहले, वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है, अलग अलग ट्रिक बताने से नहीं होता है, आप लोग एक ही ट्रिक से कई सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो इसमें आने के बाद हमें मिक्स टूल पर क्लिक करना है, ऐसे मिक्स टूल पर क्लिक करेंगे, ऑरेंज टोन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका सेचुरेशन हम ऐसे करके माइनस करेंगे और लुमियंस को हाई कर लेंगे, हम 100% बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इसके पहले एक रेड टोन आता है, इसका लुमियंस हमको कम करना है और ह्यू कम करना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है और लुमियंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। येलो कलर आता है, ठीक है, अगर येलो हम इसमें से कम करते हैं, देख सकते हैं मेरा कपड़ा एकदम ख़राब हो गया, तो हम इसको नहीं छुएंगे, छोड़ देते हैं, ठीक है, और सिंपली इसको छोड़ देंगे। और ग्रीन वाला आता है, तो ग्रीन को हम ऐसे करेंगे और ग्रीन का ह्यू हम लोग 100% माइनस में कर लेंगे और सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। और अभी येलो कलर को नहीं छूना है, उसके बगल में एक और ऑप्शन है, ब्लू कलर है, इसको हम लोग माइनस में रखेंगे और बाकी इसमें कोई भी कलर को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, कोई भी कलर को हम नहीं छूएंगे, ठीक है, और इस फोटो को सिंपली इतना ही पे सेव कर लेंगे, ठीक है। देखिए हम दिखा रहे हैं, इतना ही भी फोटो को सेव कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहले हम बैकग्राउंड का जब तक कलर नहीं चेंज करेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। फोटो सेव कर लिए, अब यहाँ से फोटो को हम उड़ा देंगे, डिलीट, फोटो डिलीट हो गया। अब हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ऐड करेंगे दोबारा से वही। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से वही फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ जो अभी सेव किया है मैंने, और फिर से हमें मिक्स टूल पे ही जाना है और ग्रीन वाला को सिलेक्ट करके ऐसे बढ़ा, इसको ह्यू 100% माइनस रखेंगे और येलो कलर वाले का ह्यू ऐसे इसको भी 100% माइनस कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कलर चेंज हो चुका है बैकग्राउंड का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और फिर से इसको और थोड़ा गोरा करेंगे, तो ऑरेंज वाले पे सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, इसका लुमियंस बढ़ा लेंगे, जिससे कि हमारा फेस और भी ज़्यादा वाइट हो जाएगा, तो वाइट फेस अच्छा लगता है ज़्यादा लोग को, मुझे ये बात पता चला है। तो ऐसे करके मैं कर लूँगा और सिंपली देख सकते हैं, इसमें इतना होने के बाद यहाँ पे शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, डिटेल एंड नॉइज रिडक्शन इसको बढ़ाएंगे, जिससे फेस हमारा थोड़ा स्मूथ हो जाता है, डिटेल और कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी बढ़ाएंगे, डिटेल स्मूथनेस दोनों को बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी हम फाइनली फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, फ़ोटो अभी सेव नहीं करेंगे, सॉरी गाइज, फ़ोटो अभी सेव नहीं करेंगे। इतना होने के बाद हम इस फोटो को स्मूथ करना बताएंगे, ठीक है। अभी आपको बहुत सारा चीज़ का कमी दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये कपड़े का कलर भी वैसे ही हो गया है, ये भी कपड़ा का कलर आ गया है, ये सब हम कैसे सही करते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो अभी सिंपली हम फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में,
तो यहाँ से ऑटोडेस्क एप्लीकेशन आप लोग को मिल जाता है, ये रहा स्केचबुक ऑटोडेस्क, ये एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। मैं जितना भी यूज़ कर रहा हूँ सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोग जा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जाएंगे और लाइब्रेरी में जाने के बाद देख सकते हैं इसमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है। मैं ये वाला ब्रश यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट इरेजर, और इसका सेटिंग वगैरह देख सकते हैं आप लोगों को कितना कैसे रखना है, आप लोग रख लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश ले लिया हूँ सॉफ्ट इरेजर, और इसमें सेटिंग कितना रखना है ये ध्यान दीजिए। तो खाली यहाँ से नहीं होगा, कितने लोग में ये वाला ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा होगा, ठीक है, इसमें से कोई एक ऑप्शन शो नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस पर जान स्मज टूल पर ही रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साइज़ हम अपने हिसाब से रख लिए और फोटो को ऐसे स्मूथ करेंगे, देखिए कितना अच्छा से स्मूथ होगा। मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा टूल है, आप लोग इसका यूज़ कीजिए। और गोरा भी ऑलरेडी एक कर देता है, ठीक है, इसमें गोरा करने का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे करके मैं अपना फेस को यहाँ पे गोरा भी कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये एप्लीकेशन ये वाला टूल काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हम थोड़ा सा और साइज़ को बढ़ा लेंगे और ऐसे करके स्मूथ करेंगे, ठीक है, देखिए कितना अच्छा स्मूथ होगा। और जहाँ पे भी गोरा नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली ये गोरा कर देता है, ये इसका खास बात है, ठीक है ना। इस वाले टूल में यही चीज़ सबसे खास लगा हमको, इसलिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके और ऐसे स्मूथ करना है, तो पूरा स्मूथ इससे नहीं होता है, सब नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ा इसका भी यूज़ करते हैं और भी दूसरा टूल है उसका भी यूज़ करते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ऐसे पहले स्मूथ कर लेते हैं, हम आप लोग को स्मूथ करना भी बता देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन आप लोग देखा कीजिए, वीडियो लंबा होता है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता है तो कुछ ना कुछ तो उसमें रहता ही है। तो ऐसे ही करके स्मूथ करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब जाके मैं ब्रश को चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मैं वो वाला ब्रश ले लेता हूँ, ये वाला, और इसमें जाके सेटिंग देख सकते हैं, इसको कम करेंगे। सेटिंग मेरा पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, तो इसे इतना भी सेटिंग कर लेंगे और इसको 30 रखेंगे और ऐसे करके स्मूथ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ब्रश ही चल पाएगा, वो वाला चलाएंगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा फ़ोटो। तो ज़्यादा जगह जहाँ होता है वहाँ पे वो वाला ब्रश यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हम स्मूथ कर रहे हैं, कितना अच्छे से हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी से पूरे फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं अपने पूरे फोटो को स्मूथ कर लिया हूँ, काफ़ी अच्छे से मुझे जैसे करना था वैसे मैंने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, तो ये हम सही करेंगे, अब करेंगे। तो यहाँ से पहले फ़ोटो को शेयर करेंगे अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में और वहाँ पर ये चीज़ सही करेंगे। तो स्नैपसीड भी आप लोग को इजिली प्ले स्टोर पर मिल जाता है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सेलेक्टिव टूल का क्लिक करेंगे और ऐसे साइज़ को छोटा कर लेंगे। तो ऐसे छोटा करने के बाद यहाँ से जाएंगे और सेचुरेशन को कम करेंगे और लुमियंस को ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसका ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, हाई कर लेंगे और ऐसे डन कर लेंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और क्लिक करेंगे इसी पे और थोड़ा सा और लाइट बढ़ा लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा जैसे चाहिए था हमको, ठीक है, अभी हो गया। और यहाँ पर जाके थोड़ा सा हम लोग सेचुरेशन को इनक्रीज करेंगे, 40 तक रखेंगे, डन करेंगे और देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ से हम लोग व्यू एडिट पर जाके और अपना लिप्स का कलर थोड़ा सा और कर लेंगे अच्छे से, हमारा लिप्स कलर भी अच्छे से हो गया। फिलहाल मैं अभी डन करेंगे फ़ोटो को, तो देख सकते हैं अभी इस फोटो में हमको स्नैपसीड में कोई भी काम रह नहीं गया है, सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम इस फोटो को सिंपली शेयर करेंगे फाइनली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से पिक्सआर्ट में फ़ोटो को शेयर करते हैं, तो पिक्सआर्ट में फ़ोटो शेयर हो रहा है, देखिए इसमें स्टेप बाई स्टेप कुछ भी आप लोग को मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सारा चीज़ आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पिक्सआर्ट में फ़ोटो हमारा ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसमें PNG को ऐड करेंगे। तो PNG ऐड करने से पहले अभी आप लोग भूल रहे हैं कि ये और यहाँ पे कपड़ा हमारा ख़राब हो गया है, तो इसको हमको बनाना है। तो अभी हम चलेंगे ऐड फोटो में, यहाँ पे ऐड फोटो का एक ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, इस पर चलेंगे और ऐड करेंगे पुराना जो सबसे ओरिजिनल फ़ोटो है वो वाला। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं ओरिजिनल फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ और ऐसे इसका साइज़ हम परफेक्ट अपने फ़ोटो के हिसाब से बड़ा कर लेंगे और ऊपर के साइड में इरेजर का एक ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इन्वर्ट पर क्लिक कर लेंगे और फोटो को कर लेंगे ऐसे जूम और ब्रश वाले आइकन पे जाएंगे और हार्डनेस को 90% रखेंगे, साइज़ को अपने हिसाब से रखेंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग को ड्रॉ कर लेना अपने कपड़े पे, जो कि ओरिजिनल वाला हो जाएगा मेरा। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया था, तो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम दे के आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा अपना ड्रॉ कर लिया अच्छे से, अभी डन करेंगे। और अभी भी हमारे कपड़े का कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, टूल पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और सेचुरेशन को माइनस करके इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और अपने कपड़े पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस पर बिल्कुल भी हमको सेचुरेशन नहीं रखना है, एकदम पूरा ब्लैक रखना है, तभी जाके अच्छा लगेगा हमारा फोटो। तो ऐसे करके मैंने कर लिया ब्लैक। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। तो फाइनली अभी डन करेंगे फ़ोटो को और देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारे कपड़े पे काफ़ी अच्छा हो गया है कलर। और इतना होने के बाद देख सकते हैं फिर से ऐड फोटो में जाके हम कुछ PNG वगैरह है उसको ऐड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 या 6 PNG यही था जिसको हम इस फोटो में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सब PNG को ऐड करेंगे, जैसे कि सिगरेट को पहले जलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इतना पे एडजस्ट करेंगे, पहले तो इसको क्रॉप करेंगे, ऐसे करके क्रॉप कर लेंगे, छोटा साइज को छोटा करना है तो ऐसे सबको क्रॉप कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इसको निकाल देना है बस और ऐसे डन कर लेंगे। ठीक है, और इसका हमको अच्छे से पहले इस पर एडजस्ट करना है, जैसे कि ये लगे कि जलता हुआ है। ठीक है, और इसका हार्डनेस 0 करके और ऐसे इरेज कर लेंगे, साइड साइड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है उसको हमको इरेज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से ऐसे लगेगा कि ये सिगरेट जल रहा है क्योंकि ऐसे ही न्यू है, लेके क्लिक करवाया गया है फ़ोटो को। और ये वाला जो PNG है इसका ब्लेंडिंग मोड सबसे पहले हमें रखना है स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन पे रखेंगे और इसको भी हम लोग ऐसे क्रॉप करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जो इसमें का धुआं वाला स्मोक वाला PNG है यहाँ पे ऐड करेंगे और इरेजर पे क्लिक करके हम ये वाला जो सिगरेट है इसके बगल में इसको हम लोग इरेज कर लेंगे। ठीक है, इसको नहीं रखना है, अभी ऐसे ही छोड़ देना है और इसको अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि मैं ऐसे एडजस्ट कर लूँगा, स्मोक वाला PNG ऐड हो गया। और उसके बाद से ये वाला PNG आता है जिसको हमको यहाँ पे माथे पे लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और इसका ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज करना है। ठीक है, तो वैसे ब्लेंडिंग मोड को हमें ओवरले कर लेना है। ठीक है, एक और इसका डुप्लीकेट बना के इसी पे चिपका देंगे। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं काफ़ी लग रहा है कि एकदम सही में चोट लगा हुआ है। और इसी का एक डुप्लीकेट लेयर और बनाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर से एक डुप्लीकेट बना के यहाँ पे ऐड कर लेंगे और ये वाला PNG सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसका भी ब्लेंड मोड हमें चेंज करना है, ऐसे मल्टीप्लाई या फिर ऐसे इस पे रखना है ओवरले। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाला PNG को हमको ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करना है, जैसे कि धोखा है तो ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और बेस्ता है लास्ट PNG ये वाला आंसू वाला, तो इसको साइज को बड़ा करेंगे और यहाँ पे आंसू वाला भी PNG लगा लेंगे और फाइनली फ़ोटो को डन कर लेंगे। सो देख सकते हैं पूरा PNG को ऐड करने के बाद कुछ फ़ोटो इस टाइप का दिख रहा है। उसके बाद से आंखों में लेंस लगाना रह गया है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग रिटच वाले ऑप्शन पे और इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को जो कि आई कलर का ऑप्शन रहता है, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और दो यहाँ पे वाइट कलर के रिंग टाइप का आ गया है राउंड, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आँखों पे अपने एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे बराबर और इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम सही तरीके से परफेक्टली एकदम बैठा लेना है और डन कर देना है। इसे राइट क्लिक करेंगे और इसमें से कौन सा PNG ऐड करना है वो है ये वाला। ठीक है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसका 52 रखेंगे और ऐसे फ़ोटो को कम कर लेंगे जूमिंग और हार्डनेस को 0 करके और साइज़ को अपने हिसाब से रख के ऊपर से इरेज कर लेंगे। सो देख सकते हैं अभी कमाल का लगेगा एकदम लेंस लगाने के बाद फ़ोटो हमारा, तो ऐसे हम लोग लेंस को भी लगा लेंगे। ठीक है, और इसका सेचुरेशन हम लोग चाहें तो ऐसे हाई बढ़ा सकते हैं जो कि काफ़ी कमाल का लगता है और डन कर लेंगे। सो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो एकदम मौसम लग रहा है, बहुत ही कमाल का फ़ोटो बना है। और कपड़े पे थोड़ी बहुत चमक नहीं है तो चमक को यहाँ से एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट पे जाएंगे टूल वाले ऑप्शन पे और इसमें क्लियरिटी को ऐसे बढ़ा लेंगे और क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा इसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे और शैडो को थोड़ा सा करेंगे कम, हल्का सा कम करेंगे 8% और इरेजर वाले ऑप्शन पे जाके इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और अपने कपड़े पे ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोगों को भी कर लेना है, जो कि आप लोगों के कपड़े पे भी काफ़ी चमक आ जाएगा और कपड़ा भी आप लोगों का थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे से फ़ोटो को एडिट कर दिया हूँ आप लोगों को एकदम इजी स्टेप में। तो बस यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दो और अपने भाई को सपोर्ट करते रहो।
और चैनल पर नया हो गया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।